दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को सुप्रीम कोर्ट ने अंतरिम जमानत दे दी है। अहम बात यह है कि केजरीवाल को यह राहत ईडी से जुड़े मामले में दी गई है और फिलहाल वे सीबीआई की हिरासत में हैं। ऐसे में उन्हें अभी जेल में ही रहना होगा। इससे पहले पीठ ने 17 मई को केजरीवाल की याचिका पर अपना फैसला सुरक्षित रखा था। दरअसल ईडी की ओर से उनकी गिरफ्तारी को चुनौती देने वाली उनकी याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में आज यानी शुक्रवार को सुनवाई हुई। याचिका में दिल्ली में कथित आबकारी नीति घोटाले से जुड़े धनशोधन मामले में प्रवर्तन निदेशालय की ओर से उनकी गिरफ्तारी को चुनौती दी गई थी। कोर्ट ने इस याचिका को बड़ी पीठ के पास भेज दिया है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को बड़ी राहत मिली है। सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें अंतरिम जमानत दे दी है। सीएम केजरीवाल ने ईडी द्वारा की गई गिरफ्तारी को चुनौती दी थी, जिसके बाद उन्हें जमानत दी गई है। वहीं उनकी इस बेल पर आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह की भी प्रतिक्रिया सामने आई है। संजय सिंह ने अपने एक्स हैंडल पर लिखा, झूठे केस लगाकर सच को कब तक कैद में रखोगे पीएम मोदी, पूरा देश आपकी तानाशाही को देख रहा है। ईडी कोर्ट हो या सुप्रीम कोर्ट, सब मानते हैं अरविंद केजरीवाल को ईडी ने झूठा फंसाया गया है। सुप्रीम कोर्ट का फैसला सत्य की जीत है, तानाशाही मुर्दाबाद। संजय सिंह के अलावा आम आदमी पार्टी के महासचिव संदीप पाठक ने कहा, आज जो सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाया है वो पूरे देश के लिए ऐतिहासिक फैसला है। कई फैसले ऐसे होते हैं जो देश के लिए दिशा तय करने का काम करते हैं। आज जो फैसला आया है वो बड़ा स्पष्ट करता है कि तथाकथित शराब घोटाला बीजेपी द्वारा जो रचित है वो पूरी तरह से सुप्रीम कोर्ट ने ध्वस्त कर दिया है। संदीप पाठक ने आगे कहा, सुप्रीम कोर्ट में जाने से पहले पीएमएलए कोर्ट के आदेश में ये साफ था कि कोई पैसे का लेन देन नहीं हुआ है, एक भी रुपया बरामद नहीं हुआ है। अरविंद केजरीवाल और आपका इससे कोई लेना देना नहीं है। कोर्ट के आदेश में ईडी के काम पर भी सवाल उठाया गया है। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।